मैं बहुत एक छोटी सी चीज आपसे मतलब पूछ रहा हूँ हाँ पूछिए। कि मतलब उसी से मेरा क्वेश्चन आगे स्टार्ट होगा। आप जैसे कि आप हमेशा अपनी लाइफ में बोलते हैं कि आप इंग्लिश में बात करने में कंफर्टेबल हिस्सा आप उसमें बात करते हैं और हिंदी में कंफर्टेबल हो तो उसमें बात करते हैं, और उसके लिए मैं आपको मतलब आई टोटली अप्रिशिएट फॉर दैट। बट जैसे कि मतलब अलग आप ऑल ओवर इंडिया मतलब कई कई सारे और लोग आपको देखते होंगे, मतलब अगर हम देखें तो, क्योंकि कमेंट्स में दिखता है कि काफी अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग देखते हैं। पर जैसे कि मतलब ये मेरा क्वेश्चन लैंग्वेज पे ही है कि जैसे कि हिंदी है, हाँ अब हिंदी एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश है, इंग्लिश एक टोटली फॉरेन लैंग्वेज है जो ब्रिटिशर्स ने हम पे इम्पोज करी थी। डू यू अग्री विद दैट ऑन नो? नो, इट इज नॉट इम्पोज ऑन अस। द रीजन वी स्पीक इंग्लिश टुडे इज नॉट बिकॉज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, द रीजन वी स्पीक इंग्लिश टुडे इज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिकन कल्चर। मैं जब कॉलेज में था और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहा था तो हमें ये समझाया गया था कि या श्योर अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अंग्रेजी इम्पोज की थी, पर ये कहना साल 2023 मतलब में ये कि भी एक इंग्लिश साल दो पूरी बात सुन लो, साल 2023 में ये कहना कि इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, उन सब लोगों का अपमान है जो कि भारत में रहते हैं और जिनका जिनकी मातृभाषा इंग्लिश है। भारत को आज़ाद हुए 70 साल से ऊपर हो गए हैं, है ना, और इन 70 सालों में एक पूरा जनरेशन बड़ा हुआ है जिसने अंग्रेजी का इस्तेमाल करके ना सिर्फ अपने प्रोफेशनल प्रॉस्पेक्ट्स को आगे बढ़ाया है बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी इस्तेमाल किया है। हमारे शहरों में जो लोग रहते हैं जो अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, क्या वो कम इंडियन है? या नहीं, वो लोग जो कि अंग्रेजी का इस्तेमाल करके देश के बाहर जाके देश का नाम रोशन करते हैं, क्या वो कम भारतीय हैं? हम एक भाषा को देशभक्ति का पैमाना क्यों बनाएं जबकि वो भाषा हमारी संस्कृति का हिस्सा कम से कम 70 साल से तो रह चुकी है? आई एम आई सेल्फ टॉक इंग्लिश। मैं या बहुत बात कर रहा हूँ हाँ क्यों, पर लेकिन मतलब मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब मेरा ये एक्चुअली हिंदी को लेकर है, इंग्लिश को लेकर नहीं है। बट जैसे कि हम मैं मतलब मैं कहना चाहता हिंदी और इंग्लिश ये दो ऐसी लैंग्वेजेस है जो ऑल ओवर इंडिया पूरे इंडिया को कनेक्ट करके रखती है, क्योंकि इंडिया की मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो है हिंदी को समझती है और इंग्लिश को भी समझती है, मोस्ट पॉपुलेशन में। पर जैसे अगर हम ऐसे देखें तो इंग्लिश एक टोटली फॉरेन लैंग्वेज है और हिंदी हमारी अपनी लैंग्वेज है, और इंग्लिश के नहीं, मैं अगेंस्ट वो मेरा नहीं कुछ भी मानता नहीं। ना, मैं वो नहीं नहीं मानता नहीं ना। नहीं 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 आप नहीं, ये वो नहीं है, उसका ही क्वेश्चन नहीं है। मतलब एज अ फैक्चुअल अगर आप नॉलेज देखोगे तो इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है और हिंदी हमारी लैंग्वेज है, मुझे और फॉरेन का मतलब इस समझाओ, मुझे फॉरेन का मतलब समझाओ, क्योंकि एक व्यक्ति जो कि तमिलनाडु में रहता है जिसने कभी हिंदी नहीं बोली पर बचपन से इंग्लिश बोल रहा है, उसके लिए हिंदी ज़्यादा फॉरेन है या इंग्लिश ज़्यादा फॉरेन है? सर यू आर नॉट गेटिंग इट। मैं खुद आई एम ट्राइंग टू इंग्लिश में बहुत आस्क यू ज्यादा बात समथिंग करता अनबायस्ड वन, आई एम ट्राइंग टू आस्क यू समथिंग, एक्सप्लेन दिस टू मी, फॉरेन का मतलब क्या है? फॉरेन का मतलब डेफिनेशन समझाओ। तुम जो कह रहे हो इंग्लिश को फॉरेन कह रहे हो और हिंदी को फॉरेन नहीं कह रहे हो, अगर मैं एक स्टेट से हूँ जिस जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती आमतौर पर, तो क्या मेरे लिए हिंदी फॉरेन नहीं है? समथिंग फॉर योर कंट्री ना। हाँ तो हाउ डज दैट मैटर? इट इज समथिंग फ्रॉम माई कंट्री, इंग्लिश इज ऑल्सो फ्रॉम माई कंट्री, प्लेंटी ऑफ पीपल इन माई कंट्री स्पीक इंग्लिश। लेट ये मी जस्ट दिस क्लियर, इट इज लॉजिक नॉट। ऑफ समथिंग कमिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड समथिंग कमिंग फ्रॉम इनसाइड अरे नहीं इटसेल्फ इज समथिंग आई हैव नहीं अ प्रॉब्लम। सर, ये इंग्लिश के अगेंस्ट नहीं है। इसी से मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि ये मेरा जो क्वेश्चन है मेनली वो हिंदी के बारे में है, क्योंकि हिंदी को मतलब अगर आप ये टॉपिक, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इस पे थोड़ा सा इस लाइव स्ट्रीम के बाद जाके अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि साउथ इंडिया जो है, मतलब साउथ इंडियन पार्ट जो है इंडिया का, वहाँ पे हिंदी को लेकर एक एक्सट्रीम लेवल पे हेट है। क्यों है आपको बताओ, मतलब क्यों है बताओ, किस लिए है? क्योंकि उनको जैसे कि हम जैसे कि मैंने अभी बोला था पहले कि ब्रिटिशर जब आए थे तो उन्होंने काफी लोगों पे हिंदी इम्पोज की थी, वैसे ही साउथ इंडियंस को अभी भी लगता है कि उन पे हिंदी इम्पोज किया है, और यही अभी एक वीक पॉइंट है बीजेपी का, क्योंकि उन्होंने वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में हिंदी को वो के क्या नहीं, ये बोलते खाली बीजेपी ने हैं नहीं किया, ये बहुत पार्टियों ने किया है, और साउथ का ये जो ग्रज है हिंदी को लेके, मुझे लगता है ये वैलिड है, क्योंकि मेरे को आज तक किसी ने आके लाइव स्ट्रीम में नहीं बोला ये नॉर्थ इंडियन लोग तमिल क्यों नहीं बोलते हैं, सबको बोलनी चाहिए। और यहाँ पे हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में कोई ना कोई आता है और बोलता है कि सबको हिंदी बोलनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेशी बिहारी या जो भी लोग हैं जिनके घर पे हिंदी बोली जाती है उनको लगता है कि सबको उनकी भाषा बोलनी जरूरी है। ऐसा नहीं है, आई एम स्पीकिंग इन ऑफ द पर्सपेक्टिव ऑफ साउथ इंडियंस, क्योंकि
मैं अभी एक चैनल देख रहा था कुछ ही देर पहले, तो उनका कहना ऐसा है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साउथ इंडियंस यू वुड नॉट हैव सेड दैट इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज एंड हिंदी इज नॉट, नो नो नो, इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश और प्रॉब्लम, देयर एंटायर प्रॉब्लम इज दैट दे थिंक हिंदी इज अ फॉरेन लैंग्वेज. आई एम ट्राइंग टू गेट यू टू डिफाइन व्हाट फॉरेन मींस. नो सर, यू फर्स्टली आप पूरे ये काफी सीरियस मैटर है अगर आप देखोगे ऐसे तो, क्योंकि मैंने काफी वीडियोस देखे जहाँ पे लोगों को बुली किया गया है जो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में अभी रह रहे हैं. इस एक मैं बस का वीडियो देख रहा था और वहाँ पे एक साउथ इंडियन बंदा उठा के चिल्लाने लगता है कि तुम दोनों हिंदी में क्यों बात कर रहे हो, मेरे कान में आवाज आ रही है. मतलब वो कह रहे थे कि हिंदी तुम बहुत ज्यादा जोर से बोल रहे हो. इंटरनेट पे देखे हुए वीडियोस किसी भी वाइडर कल्चरल अंडरकरंट का प्रूफ नहीं हो सकते. मैं तुमको 25 सर मैं ऐसे 100 वीडियोस बता दूंगा आपको. अनबायस्ड वन, व्हेन आई एम सेइंग समथिंग लेट मी फिनिश प्लीज. मैं तुमको 25 वीडियो दिखा सकता हूँ जहाँ नॉर्थ इंडिया में किसी साउथ इंडियन व्यक्ति को मद्रासी बोल के उसका इंसल्ट किया जा रहा है. क्या वो इस बात का प्रूफ है कि हिंदी को अपोज करना सही है? सर क्योंकि ये मैं वीडियो साउथ इंडियन के पर्सपेक्टिव, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो ना भाई. अगर मैं तुमको 25 वीडियो दिखाऊंगा जहाँ पे दिल्ली, नो नो, इट डजंट डिफाइन नॉर्थ इंडिया. वही तो मैं आंसर तो कर रहा हूं सर. एक सवाल पूछा है, अगर मैं तुमको 20 वीडियो दिखाऊंगा जहां नॉर्थ इंडिया में किसी व्यक्ति को मद्रासी बोलकर उसका अपमान किया जा रहा है, उसी का तो मैं जवाब दिया सर. इसका प्रूफ होगा कि हिंदी को अपोज करना साउथ इंडियंस का सही है? वही तो मैंने जवाब दिया कि इट डजंट डिफाइन नॉर्थ इंडिया, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश में काफी बात कर रहा हूँ. पर लाइक हम यू डोंट वांट बैड थिंग्स हैपनिंग इन नॉर्थ इंडिया टू बी द डेफिनेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया, बट यू वांट सर्टेन थिंग्स हैपनिंग इन साउथ इंडिया टू बी द प्रूफ ऑफ. नहीं मैं, और मैं वही चाह रहा हूँ सर कि नॉर्थ इंडियंस साउथ इंडियंस को वैसी इमेज से ना देखें, उनका भी पर्सपेक्टिव जाने. पर लाइक वहाँ पे एक सर्टेन हिट, लाइक अभी आप आपको कोई मतलब यहाँ थोड़ा डाइकोटमी हो रहा है. तुम ये कह रहे हो कि तुम चाहते हो लोग साउथ इंडिया का पर्सपेक्टिव जाने, और तुम साथ ही साथ ये भी कह रहे हो कि साउथ इंडिया में जो हिंदी बोलता है उसके खिलाफ लोग चिल्लाते हैं. नहीं, ये एक दो चीजें बोल रहे हो और ये कह रहे हो क्योंकि सर Just let me give 2 minutes sir. मेरा point expect करने. Just let me give 2 minutes. क्योंकि वहाँ पे एक extreme hate है हिंदी को लेके, क्योंकि उनको हमेशा से मतलब क्योंकि we can deny that Hindi is a language which connects all over the India people. ये पूरे not really, no. मैं मतलब क्योंकि इंडिया का अगर आप देखो जो 60-70 crore की population है वो हिंदी properly बोलती है, और उसके अलावा भी जो बाकी पॉपुलेशन वो समझ तो सकती है हिंदी. और तुम्हारा पॉइंट क्या है भैया, तुम्हारा पॉइंट क्या है, तुम क्या चाहते हो? क्योंकि मतलब साउथ इंडिया में एक ऐसा हेट है हिंदी को लेके जो मतलब जस्टिफाइबल नहीं है, क्योंकि वहां के लोग सिर्फ हिंदी को है. तुम नहीं, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम कैसे ये कह सकते हो कि जस्टिफाइबल नहीं है? उनके हिसाब से है जस्टिफाइबल. भाई तो अगर फिर आपने वही तो बताया कि इंग्लिश को भी फॉरेन नहीं समझा था, तो हिंदी को फॉरेन क्यों समझते वो लोग? मैं तुम्हारे सामने इंग्लिश के फॉरेन होने की बात को सिर्फ इसलिए रेज कर रहा था क्योंकि तुम हिंदी को नेटिव बता रहे हो और इंग्लिश को फॉरेन बता रहे हो, बावजूद इसके कि भारत में कई लोग हैं जो कि इंग्लिश को नेटिव लैंग्वेज मानते हैं. मैं उनमें से एक हूँ. मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, मैं हिंदी में बात करता हूँ, और मेरी हिंदी बाय द वे कई लोगों से बेहतर है. सो मैं जब ये कहता हूँ कि इंग्लिश को तुम फॉरेन लैंग्वेज कह रहे हो और हिंदी को नेटिव लैंग्वेज कह रहे हो, तुम इस इंटेंशन से कह रहे हो कि तुम इंग्लिश को यूज ना करना एडवोकेट कर रहे हो और हिंदी को यूज करना एडवोकेट कर रहे हो. सर इफ आई एम टॉकिंग इन हिंदी सॉरी इंग्लिश, एंड आई वुड से दैट कि इंग्लिश को हमें एज अ फॉरेन लैंग्वेज कंसीडर करके उसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसा तो मैंने नहीं कहा. मैंने कहा कि इट इज अ फॉरेन लैंग्वेज इज इट अ फैक्ट. मैं खुद इंग्लिश में बोलता हूँ सर, कई बार अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा टोटली परफेक्ट ऐसे ही कि अगर आप थोड़ा इस मैटर पर रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को जैसे कि नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया ऐसे डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है. क्योंकि अगर आप देखोगे तो आई डोंट थिंक हमारे देश का यूनिटी एक भाषा के डिवाइड के ऊपर बेस होके टूट सकता है. अगर किसी को लगता है, अगर नॉर्मली ये मैंने नॉर्थ इंडियंस में ही देखा है, जिनको लगता है कि अगर साउथ इंडिया वाले हिंदी नहीं बोलेंगे तो देश टूट जाएगा, क्योंकि देश तभी एक रह सकता है जब सब हिंदी बोले. हिंदी बोलने के लिए नहीं रहे हो, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम ये चीज नहीं कह रहे हो, ये चीज कई लोगों से मैंने सुनी है, ये कह रहा हूँ. क्योंकि मेरा प्रॉब्लम एक्चुअली है कि जैसे कि नॉर्थ इंडियंस है ना, उनको हमेशा से लगता है कि वो सुपीरियर है साउथ इंडियंस से, और साउथ इंडियंस को ऐसा है कि उनको हमेशा लगता है कि उनको ओवरऑल वर्ल्ड मतलब कंट्री वाइज उनको दबाया गया, उनका साउथ इंडियन पार्ट है वो दबाया जाता है हमेशा.
जैसे कि आपने अभी अगर आप थोड़ा सा पॉलिटिकल व्यूज फॉलो करते हो तो वहाँ पता चलेगा कि उनको फंड्स कम मिलते वगैरह वगैरह, बाकी वहाँ की पॉपुलेशन भी कम है इसकी वजह से, और अफकोर्स वो लोग बेटर काफी साउथ इंडिया से एजुकेटेड भी ज्यादा है। प्रॉब्लम्स विद द सेंटर जस्ट एज द नॉर्थ ईस्ट हैज सम प्रॉब्लम्स विद द सेंटर जस्ट एज वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा हैव सम प्रॉब्लम्स विद द सेंटर दीस थिंग्स एग्जिस्ट। मेरा पॉइंट है कि जिसको जो भाषा बोल रही है उसको बोल देने दो, जिसको अंग्रेजी बोल रही है बोलने दो, जिसको हिंदी बोल रही है बोलने दो। व्हाई इज दिस कन्वर्सेशन इवन हैपनिंग where we are talking about what South Indians should be. We are turning this in a Hindi-English language debate और South Indians को हिंदी बोलना ही चाहिए ये वाला debate नहीं है। मैं यूँ कह रहा हूँ कि क्योंकि तुम्हारा point simple बताओ मुझे क्या है तुम्हारा point simple। मैं वही शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि ये it is the मेरा point ये है कि ये South India को और North India को दो अलग मतलब ऐसा बिल्कुल अलग parts की तरह दिखाता है। We call it always South India and North India. It is तो तुम्हें क्या लगता है क्या होना चाहिए? हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए ये सदर्न पार्ट इंडिया का है और ये नॉर्दर्न पार्ट इंडिया का, और क्योंकि पर इट इज इन द साउथ, इट इज अ फैक्ट दैट इट इज इन द साउथ ज्योग्राफिकली, साउथ इज अ डायरेक्शन, दोस पार्ट्स आर इन द साउथ। अभी तुमने बोला ना इट्स अ फैक्ट दैट इट जस्ट केम फ्रॉम आउटसाइड, लाइक टुडे व्हेन आई वॉच सम जियोपॉलिटिक्स दैट इट इंग्लिश केम फ्रॉम आउटसाइड। अरे सर पूरा पूरा दैट द साउथ इज इन द साउथ। सर पूरी बात तो सुनिए, मैं कह रहा हूं कि हमको एड्रेस इट एज अ साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एज अ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉट साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया। अरे ये दो कंट्री की तरह फील होता है सर ऐसा, क्योंकि नोबडी थिंक्स इट्स अ डिफरेंट कंट्री। आर यू सेइंग कि व्हेन यू से साउथ इंडिया पीपल थिंक इट्स अ डिफरेंट कंट्री? नहीं नहीं सर, हम ऐसा क्योंकि ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दोनों जगह पे अगर आप देखोगे तो बहुत डिविडेशन है आज के टाइम पे, बहुत ज्यादा टेंशन है। अनबायस्ड वन, ये सब तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, जिसको जो भाषा बोलनी है बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत एक देश है, भारत एक देश रहेगा। नो सर, इट इज नॉट अबाउट द लैंग्वेज। उम्मीद नहीं करते कि तुम साउथ इंडियन भाषा में बोलो तो तुम्हें क्यों तकलीफ होती है जब वो हिंदी को लेकर उनके मन में थोड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज वो ऐतिहासिक रीजंस की वजह से है। एनीवे आई एम डन विद दिस कन्वर्सेशन, आई एम गोना मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉलर। ओके ओके, थैंक यू फॉर जॉइनिंग, बाय बाय।